हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम चने की दाल से लड्डू बनाएंगे। ये है चने की दाल, इसको हम रात भर के लिए भिगो देंगे। ये भीगी हुई चने की दाल है जो हमने रात भर के लिए भिगो दी थी। अब हम इसको निकाल कर मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। इसको हमने मिक्सी के डिब्बे में डाल लिया है। अब हम इसे दरदरा पीस लें। पेस्ट इस तरह का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बारीक हमें नहीं करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमने पेस्ट निकाल लिया है। अब हम चलते हैं इसको गैस पर, कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डालेंगे घी। ये देसी घी है। देखें गर्म हो गया या नहीं, इसके लिए हमें अभी गर्म हो चुका है। हम छोटी 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 चीजें बना लेंगे, अच्छी तरह सीख जाएंगे। बड़ी बड़ी जल्दी सीखी नहीं है, उसके अंदर थोड़ा कच्चा बन जाता है, इसलिए अभी ये पूरी तरह नहीं सीखी हैं। इनको थोड़ा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। हमारी पकौड़ियाँ सीख गई हैं, बस अब हम इन्हें थोड़ी देर में निकाल देंगे। बाकी बची हुई भी पकौड़ियाँ हम बना लेंगे। हमारी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हैं, हमने गैस बंद कर दिया है। अब इनको हम दो भागों में छोटा छोटा तोड़ लेंगे, तोड़कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। पकौड़ियाँ ऐसे तोड़ लिए, जब तक हमारी पकौड़ियाँ ठंडी हो रही हैं तब तक हम चाशनी बना देते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है। लगभग ये 300 ग्राम करीब चीनी है और इसमें एक गिलास हमें चाशनी गुलाब जामुन की तरह चाहिए। जिस तरह गुलाब जामुन की चाशनी होती है, सेम वैसे ही चाशनी चाहिए। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी और जिससे कि लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे।
गाइस हमने चार इलायची छीलकर इनको पीट लेंगे। इन्हें चाशनी में मिला दें। इसे लड्डू में अच्छी सी खुशबू आती है जो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और खुशबू भी आती है। लड्डुओं में कलर लाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा कलर का यूज करेंगे जो हम चाशनी में हेलो बाय इस फूड कलर का यूज किया है। हमारी चाशनी तैयार है, हमने गैस बंद कर दी है। अब से थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, तब तक हम इनको मिक्सी में डालकर दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। कुछ इस तरह से पीस लिया है, अब हम इसको देखिए कितना दानेदार लग रहा है ये। इसको हम निकाल लेंगे, थोड़े से मगज डाल देंगे। अब हम ये सारा पेस्ट इस चाशनी में डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी आपको ये गीला दिख रहा है पर थोड़ी ही देर में ये सूख जाएगा। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। हेलो गाइस, अब ये तैयार है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। दोस्तों गरम गरम इसे ना छुएं क्योंकि इससे हाथ भी जल जाएगा। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। ये अब ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करते हैं।
तो लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। 250 ग्राम दाल में हमारे इतने लड्डू बने हैं। हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये लड्डू मैंने देसी घी में बनाए हैं, ये लड्डू मैंने रिफाइंड में बनाए हैं। दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों को तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छे हैं। आप भी इसी तरह के लड्डू आसान तरीके से बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।